मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ममता बनर्जी सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने भारत के अखंड भारत होने का सपना तोड़ा है। यह बात पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब से भी स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और हम यहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक और गौ कैबिनेट का गठन करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और ये बात सबको मान लेनी चाहिए। भाजपा की सरकार बनने की बात सिर्फ वही लोग नहीं मान रहे जिन्होंने लोकसभा में भी इस बात को मानने से इनकार किया था। इस दौरान उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इन परिवार की वजह से देश अखंड भारत नहीं बन पाया। देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में टूट गया। नेपाल भी भारत का हिस्सा होता और इस बात को स्पष्ट किया है प्रणव दा की लिखी किताब में। अभी सब बातें जनता को समझ आ गई हैं, जिससे कांग्रेस धरातल की ओर जा रही है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। भाजपा की सरकार आने पर यहां पर भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार, जो इस बात को स्वीकार नहीं करते वो वही लोग हैं जो लोकसभा में नहीं स्वीकार करते। परिणाम वैसे ही आएंगे, आप प्रतीक्षा करिए। प्रणब दा ने एक बात स्पष्ट कर दी कि नेहरू गांधी खानदान ने जो इस देश के नागरिक अखंड भारत की कल्पना थी उसको खंड किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में, उन्होंने बांग्लादेश बनाने में, उन्होंने धारा 370 ला के कश्मीर का विभाजन करने में कोई कसर। जैसे जैसे जनता की समझ में आ रहा है कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, कांग्रेस का जहाज स्वतंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।